हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू बायोमेटर्स क्लासेस ऑनलाइन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट लेक्चर इन अवर बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज और आज हम लोग अपने ग्राफ को कंटिन्यू करने वाले हैं सो so, ग्राफ के अंदर में देखो आप लोगों के पास में क्वेश्चन रहे होंगे वाई जीक्वल्स टू वन बाई रूट थ्री एक्स इसका एक ग्राफ वाई जीक्वल्स टू फोर एक्स इसका एक ग्राफ और वाई जक्वल्स टू माइनस एक्स ये एक ग्राफ यहां पर आपको बनाने को बोला गया था तो देखो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर ये यह x एक्सिस ये y एक्सिस अब यहां पर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं तो देखो एक ग्राफ तो आपका ऐसे आया होगा ठीक है y इक्वल्स टू माइनस एक्स में एक ये है आपका y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा बना होगा ठीक है चलो एक मैं आपसे बोल देता हूं कि y जीक्वल्स टू फोर एक्स और वाई जीक्वल टू वन बाई रूट थ्री एक्स था यस और नो तो मैंने बोला यस तो देखो मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं ये एक ग्राफ आया होगा ये मान लीजिए वाई जीक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई रूट थ्री का ग्राफ रहा होगा और एक ग्राफ और यहां पर बनेगा वो ये है कि देखो मैं यहाँ पर एक ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं ये है आपका वाई जिक्वल्स टू फोर एक्स का ग्राफ अब यहां पर जो मेन बात है देखो अब ये ऐसा हो रहा है कि वो ओरिजिन से नहीं जा रहे हैं थोड़े से इधर उधर हो रहे हैं लेकिन उस बात को आप लोगों को खुद को एडजस्ट करना है समझना है भैया देखो अब बनाते समय यार थोड़ा इतना एक्यूरेसी नहीं आएगी हमारे से कि एकदम कट टू कट वहीं से ओरिजिन से कट कर जाए लेकिन आप मान के चलिए वो सारे के सारे ग्राफ कहां से जा रहे हैं ओरिजिन से जा रहे हैं ये बात क्लियर है ओके okay. अब सवाल ये उठता है कि ये जो ग्राफ है अब इसमें देखो सबसे पहले जो मुझे चर्चा करनी है वो ये है कि ये जो दो ग्राफ है ये मुझे कैसे पता लगा कि वाई जीकोल टू एक्स वाई रूट थ्री और वाई जीकोल्स टू फोर एक्स ये ग्राफ ऐसे बनेंगे क्लियर है दैट इज माई वेरी फर्स्ट क्वेश्चन तो देखो अब यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है थोड़ा सा मैं फास्ट लग रहा हूं क्या चलो थोड़ा सा स्लो हो जाता हूं कॉन्सेप्ट है कि देखो ये है आपका slope, ये है 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 आपका आपका स्लोप स्लोप यहां पर ठीक एक ग्राफ में स्लोप है one by root three, और एक ग्राफ में स्लोप है फोर क्लियर है एक ग्राफ में स्लोप है three, और एक ग्राफ में स्लोप है फोर और मैंने आपको सिखाया हुआ है स्लोप का मतलब होता है एम जिसका मतलब होता है टेन थीटा तो देखिए एक ग्राफ में आपको टेन इक्वल टू है वन बाई रूट थ्री तो आपने लिखा पहले ग्राफ के लिए भैया टेन थीटा बराबर वन बाई रूट थ्री और इटमप्लाइज यहां से आपको थीटा बराबर मिल रहा होगा सिक्सटी डिग्री सही है क्या सही लिखा है कि मैंने देखो आ, नहीं नहीं गलत लिख दिया थर्टी डिग्री ठीक है चलो जो भी है और दूसरा जो ग्राफ है उसमें है टेन थीटा बराबर फोर अब देखो इसमें क्या है कि एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं अब देखो इसमें तो आप एंगल कैलकुलेट नहीं कर पा रहे होंगे कर पा रहे हैं क्या तो ये यहां पर आप लिख दोगे इनवर्स ऑफ तो अब मैं कैसे समझूंगा तो यहां पर आपको एक बात समझनी है वो ये है कि भैया जितना स्लोप जितना कम होगा जिसका स्लोप जितना कम होगा वो एक्स एक्सिस की तरफ उतना ही ज्यादा झुका हुआ होगा क्या ये बात आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इसकी जरूरत पड़ेगी आपको आगे चल के कायनामेटिक्स के सवालों में तो इसलिए इस बात को ध्यान से गांड बांध लीजिए क्या बोल रहा हूं आप देखो मैं जो बोल रहा हूं उसे अपनी भाषा में आप लिखिए मैं क्या बोल रहा हूं सुनिए एक बार ध्यान से सुनिए मैंने बोला जिस ग्राफ का स्लोप जितना कम होगा वो एक्स एक्सिस की तरफ उतना ही झुका होगा या मैंने बोला जिस ग्राफ का स्लोप जितना ज्यादा होगा वो ग्राफ y एक्सिस की तरफ उतना ही खड़ा हुआ बनेगा तो यहां पर देखिए आप इन दोनों ग्राफों को तो देखो ये जो है x बाई रूट थ्री वाला तो वो x एक्सिस की तरफ है और y इज इक्वल टू फोर एक्स वाला y एक्सिस की तरफ है तो यहां से आपको ये बात पता लगनी चाहिए यदि मैंने बोला ये है थीटा और ये पूरा बड़ा वाला है थीटा 2, तो यहां पर थीटा टू विल बी ग्रेटर देन थीटा वन ये कंडीशन है मतलब जिसका स्लोप ज्यादा है स्लोप टू इज ग्रेटर देन स्लोप वन स्लोप टू इज ग्रेटर देन स्लोप वन तो इसके लिए क्या हो जाएगा टेन थीटा टू विल बी ग्रेटर देन टेन थीटा वन और इसका मीनिंग यही निकलेगा थीटा टू ग्रेटर देन थीटा वन इस बात को स्टार मार करके बॉक्स बना के अपने पास रख लीजिए इसकी जरूरत पड़ेगी मैं बताता हूं कैसे मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आएंगे देखो ऐसे ठीक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो यहां पर लिख दिया डिस्प्लेसमेंट यहां पर लिख दिया टाइम मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं बस और इसमें आपसे पूछा जाएगा देखो एक ग्राफ ये है एक ग्राफ ये है ये है वन ये है टू किस में पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है यह सवाल है मैं इसको अभी नहीं करवा रहा हूं आंसर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा लेकिन अभी आप देखिए क्या बोला गया है सवाल यह है कि भैया एक पार्टिकल वन है एक पार्टिकल टू है दोनों की दोनों में से किसकी वेलोसिटी ज्यादा है यह ऐसा क्वेश्चन बनेगा ठीक है यह तो मैंने वेलोसिटी के लिए लिया यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो मैं पूछता था, था किसका एक्सलरेशन ज्यादा है यह सवाल है ठीक है तो ये दो पॉइंट क्लियर हो गए क्या इस पॉइंट को आपने नोट डाउन करके लिख लिया है मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा अब सवाल उठता है हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर थ्री जो होमवर्क में था वो था आपका y इज इक्वल टू माइनस एक्स अच्छा अब आप देखेंगे इसको ड्रॉ करने के लिए आपने क्या किया होगा वही देखो बक्सा बनाया होगा अपना यस और नो ये बॉक्स बनाया सब लोगों ने यस और नो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है बिना बॉक्स बनाए आपने ग्राफ नहीं बनाए होंगे नीचे एक्स लिखा होगा ऊपर वाई लिखा होगा बिल्कुल सही है एक्स की कुछ रैंडम वैल्यूज ली होंगी मैंने बोला आपने लिया जीरो वन और टू, तो वाई की वैल्यू आएगी जीरो माइनस वन और माइनस टू ऐसे आई थी क्या देख लीजिए यही आएंगी बराबर है अब आपने क्या किया कि कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ किया मैंने बोला बिल्कुल सही काम है यही करना होता है ये एक्स लिख दिया ये वाई लिख दिया ये माइनस एक्स लिख दिया ये माइनस वाई लिख दिया अब देखो यहाँ पर क्या होगा जीरो मान के चलिए ये है जीरो ये है वन ये है टू ये है थ्री ऊपर वन टू थ्री इधर में माइनस वन माइनस टू और माइनस का थ्री नीचे आएगा माइनस वन माइनस टू और माइनस का थ्री अब आप अपने पॉइंट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कीजिए फटाफट से जो मैं बोलते जा रहा हूं करते चलिए देखो एक तो जीरो जीरो आया होगा जो ओरिजिन पे आ जाएगा दूसरा आपके पास में आया होगा कितना आया है देखो वन कॉमा माइनस वन एक्स वन है और वाई माइनस वन है मतलब क्या ये पॉइंट कहीं यहां बना होगा मैंने बोला बिल्कुल सही है दूसरा बना होगा एक्स इक्वल टू टू और वाई इक्वल टू माइनस टू तो ये यह यहां पर बना होगा अब इनको जोड़ते हुए यदि मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो देखो ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी ठीक है यार थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है बैंड हो रही है कोई बात नहीं लेकिन वास्तविकता में ये रेखा सीधी है ठीक है ये रेखा सीधी है है ठीक क्लियर है बात समझ में आई तो ये इस तरह से ग्राफ बनाया अब मैं इसमें आपसे पूछता हूं इसका स्लोप कितना है तो देखो आप फटाफट से इसका स्लोप बताइए तो देखो मैंने सिखाया था आपको वाइज इक्वल टू एम एक्स और यहां पर है वाइज इक्वल टू माइनस एक्स दोनों को कंपेयर करिए तो एम की वैल्यू आ गई माइनस का वन इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में स्लोप मिला है आपको माइनस का वन स्लोप कितना मिला है माइनस का वन मिला है यह बात क्लियर हो गई तो यहां से देखिए टेन थीटा बराबर आपने लिख लिया होगा माइनस का वन और टेन थीटा में माइनस वन की वैल्यू कहां पर आती है तो भैया टेन थीटा में आपको माइनस वन मिलता है टेन वन फोर्ट वन थर्टी फाइव डिग्री पर कहां पर मिलता है 135 डिग्री में देखो जब भी स्लोप के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको स्लोप के लिए जो एंगल लेना है वो जीरो से 180 के बीच का ही लेना है जीरो से चालू करते हुए 180 से छोटा तो टेन 135 सो थीटा इज इक्वल टू वन टेन वन थर्टी फाइव डिग्री का वैल्यू निकाल के देखिए अपने आप माइनस वन ही मिलेगा सो so, यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात आपको जो मैंने बताई उसके हिसाब से देखिए कभी भी जब आप एंगल मेजर कर रहे होंगे तो आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जाना है और देखिए अपने आप वन थर्टी फाइव डिग्री का एंगल दिख रहा है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तो इस चीज को पहचानना बहुत बहुत जरूरी है इस चीज को पहचानना बहुत बहुत जरूरी है क्या ये बात समझ में आ गई श्योर है आप लोग पक्की वाली बात है चलो अब हम लोग स्ट्रेट लाइन के अंदर में अगली वैरायटी की बात करते हैं जो होती है आपकी कौन सी वैरायटी है अभी इसमें सेकंड वाली वैरायटी जिसे मैं बोल रहा हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट देखो ग्राफ बनाना तो आसान है ग्राफ तो वैसे ही बनेगा जो अभी हम लोगों ने सीख आए हैं लेकिन इसमें चीजों को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है क्या है कि भैया देखो ये तो है आपका एम जिसे हम लोग स्लोप कहते हैं तो सर कई लोग बोलेंगे सर जी इसमें नई बात क्या बताई ये तो पुरानी बात है मैं जानता हूं यस अच्छा और ये जो सी होता है इसका मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट क्या मीनिंग होता है वाई इंटरसेप्ट इसका मीनिंग समझिए इसका मीनिंग क्या है वाई इंटरसेप्ट का इसका मीनिंग ये है कि स्ट्रेट लाइन जो हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है द स्ट्रेट लाइन और मैं बोलता हूं ग्राफ जो है हमारा इंटरसेप्ट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस ऑन दिस पॉइंट इस पॉइंट पर आपका जो है वो क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा ठीक है बात समझ में आ रही है आर यू श्योर अच्छा अब देखो यहां पर क्या होता है कि जब कभी भी आपका स्लोप पॉजिटिव होता है और स्लोप नेगेटिव होता है तो ग्राफ कैसा बनता है ध्यान से देखिए जिससे आपको और आइडिया मिलेगा देखो फॉर पॉजिटिव स्लोप मैं ग्रीन से बनाऊंगा पॉजिटिव स्लोप के लिए पहले मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेता हूं पॉजिटिव स्लोप मैंने ग्रीन लाइन से बनाना है तो आपकी हर एक लाइन ये यहां से जा रही हो यहां से जा रही हो कैसे भी जा रही हो देखो ये सारी जो लाइन है उन सबका स्लोप क्या है पॉजिटिव है कैसा है पॉजिटिव है क्योंकि देखो इन्होंने जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाया है वो लेस देन नाइनटी है ये बात समझ में आ रही है कि मैं बहुत फास्ट हो गया फिर से बोलता हूं ये यदि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर में भैया मैं एक्स और वाई भी लिख देता हूं नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर आपने और वाई को तो तो डिफाइन नहीं किया ना ये तो हो सकता है ना ऐसा हो जाए तो मैंने वाई, और वाई लिख दिए अब देखिए अब यहां पर हर एक हरी लाइन को गौर कीजिए इसका एंगल को मेजर करने की कोशिश कीजिए कितना एंगल है वो पता नहीं हमें लेकिन देखो जो भी एंगल है देखो एक्स एक्सिस यहां पर देखो तो ये एंगल 90 से छोटा मिलेगा यहां पर देखिए यहां पर ये 90 से छोटा है यहां पर देखिए ये एंगल क्या है 90 से छोटा है यस और नो क्लियर बात है अब इन तीन लाइनों में एक खास बात देखिए तीनों में कुछ चीजों को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कीजिए वो क्या है यदि मैं नंबरिंग कर दूं ये मानो लाइन नंबर वन है ये मानो लाइन नंबर टू है और ये मानो लाइन नंबर थ्री है लाइन नंबर वन टू और थ्री तो लाइन नंबर टू जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है यस और नो मैंने बोला यस yes. अब कई लोग बोलेंगे सर थोड़ी सी नीचे है लेकिन उसको मान लीजिए भैया वो ओरिजिन से हो रही है ठीक है आप थोड़ा सा ओरिजिन से जाते हुए बना लीजिए ठीक है ओके okay. मैंने बोला ठीक है लाइन नंबर वन जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर वाई एक्सिस को पॉजिटिव प्लेस पर कट कर रही है बिल्कुल सही बात है और जो लाइन नंबर थ्री है वो वाई एक्सिस को नीचे की साइड में कट कर रही है हमें एक्स एक्सिस पे कहां कट हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है हमें किस चीज से लेना देना है हमें यह देखना है भैया कि ये जो लाइन है ऊपर कट कर रही है कि नीचे कट कर रही है तो यहां पर जो एक्स ओरिजिन वाला ये जो पॉइंट है यहां से लेकर के ये वाला जो हिस्सा है तो ये हो जाएगा आपका वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा वाई इंटरसेप्ट अब बताओ वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो वाई इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव फॉर लाइन नंबर वन वाई इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव फॉर लाइन नंबर वन और यदि मैं आपसे पूछू लाइन नंबर थ्री के लिए तो आप बोलोगे लाइन नंबर थ्री के लिए देखो y इंटरसेप्ट इज नेगेटिव y इंटरसेप्ट अंताखंड बोलते हैं इसको हिंदी मीडियम अंतःखंड इंटरसेप्ट बार बार अभी इंटरसेप्ट वर्ड ही आएगा हो सकता है मैं हिंदी बार, हिंदी में वर्ड को बार बार रिपीट ना करूं लेकिन एक बार अभी आपको बता दिया अंतःखंड का मतलब है इंटरसेप्ट तो वाई इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है लाइन नंबर वन के लिए वाई इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव आ रहा है लाइन नंबर थ्री के लिए लेकिन लाइन नंबर टू के लिए कोई इंटरसेप्ट नहीं है इंटरसेप्ट क्या है जीरो है तो यहां से आप आप इस इक्वेशन पे वापस आइए और देखिए कि y MX c में c की वैल्यू पॉजिटिव होगी लाइन नंबर वन के लिए नेगेटिव होगी लाइन नंबर के लिए और लाइन नंबर टू के लिए जीरो होती है इसी के कारण हमारे पास में जो इक्वेशन बनती थी वो वाई जीक्वल्स टू एम एक्स सिर्फ इतनी सी इक्वेशन हुआ करती थी क्लियर है तो जो हमारे पास में कभी भी यदि ऐसी इक्वेशन है वाई जीक्ल्स टू टेन एक्स कहां से पास करेगी ओरिजिन से पास करेगी ये चीजें इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं ग्राफ के लिए आगे चल के जब बहुत सारे ग्राफ आएंगे आप लोगों के सामने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यार सर ये ग्राफ कैसे आया यदि uh, के बाद में कोई नंबर नहीं है अकेला तो इसका मतलब इंटरसेप्ट क्या है जीरो है मतलब वो लाइन कहां से पास करेगी वो लाइन ओरिजिन से पास करेगी क्या मेरी ये मोटी मोटी बातें आपकी छोटी छोटी बुद्धि में जा रही हैं कि ऊपर ऊपर से जा रहे हैं ऐसे पकड़ रहे हो आई पकड़ में नहीं आ रही है ऐसा तो नहीं हो रहा है ना पकड़ो प्रॉपरली ध्यान दो ध्यान दो प्रॉपरली ध्यान केंद्रित करो कहां पर टॉपिक पे लेक्चर पे ध्यान से बातें सुनोगे तो आपको जरूर समझ में आएगा कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये बस आपके मन का डर है जो बताता है देखो बहुत सारे स्टूडेंट आपको कंप्लेन करते हुए मिलेंगे कि सर हमें ग्राफ में प्रॉब्लम होती है लिटरली से ही ग्राफ बहुत आसान है बशर्ते आपको ग्राफ का बेसिक पता हो मैं दूसरे लेक्चर में हूं आज में और अभी भी बेसिक ही चल रहा है जब अच्छे लेवल के सवाल बनेंगे देखो अभी क्या है ना अभी हम लोग वाई और एक्स के टर्मिनोलॉजीज में खेल रहे हैं बाद में यही चीजें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर टाइम वेलोसिटी स्पीड ये बन जाएंगे और कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन बेस जो है वो यही रहने वाला ये चेंज नहीं होने वाला है क्या ये बात समझ में आई है आप लोगों को आर यू श्योर sure? बिल्कुल श्योर होना पड़ेगा क्लियर है आर यू श्योर सही बात है मान लू मैं अभी चलो अब हम क्या करते हैं एग्जाम्पल पे जाते हैं उससे पहले पॉजिटिव स्लोप, तो तो स्लोप, तो स्लोप के लिए तो बता दिया लेकिन नेगेटिव स्लोप में नहीं बताए तो मैं बोलूंगा यार ऐसी गलती नहीं करना चाहता मैं तो देखो मैंने एक लाइन यहां से खींची अब तो पक्की ओरिजिन से गई है एक लाइन यहां से खींची और एक लाइन यहां से खींची देखो थोड़ी बहुत लाइन टेढ़ी हो जाए तो जैया मुझे माफ करना लाइन नंबर वन लाइन नंबर टू और लाइन नंबर थ्री अब ये जो भी तीनों लाइन यहां पर ड्रॉ हुई हैं इनमें खास बात क्या है इनका जो स्लोप है वो कैसा है नेगेटिव इनकी प्रवणता ऋणात्मक है यस और नो अच्छा इसके बाद में मैं क्या बात करना चाहता हूं मैं इसमें बात करना चाहता हूं कि भैया आपके पास में सिचुएशन ऐसे आएगी कैसी सिचुएशन आएगी सिचुएशन विल बी ऐसी कि भैया देखो लाइन नंबर वन के लिए यदि मैं बात करता हूं तो यह है आपका वाई इंटरसेप्ट लाइन नंबर वन का इंटरसेप्ट यहां पर आया यस और नो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है और लाइन नंबर थ्री का इंटरसेप्ट देखिए यहां से लेकर के यहां तक है यह है आपका यहां पर लाइन नंबर थ्री के लिए इंटरसेप्ट ठीक है अब फिर से वही सवाल बताओ कौन सी लाइन का इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और कौन सी लाइन का इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो लाइन नंबर वन का वाई पॉजिटिव है लाइन नंबर का इंटरसेप्ट नेगेटिव है कितनी वैल्यू वो बाद में आएगी लेकिन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है पहले ये तो पहचानो और लाइन नंबर टू का इंटरसेप्ट तो लाइन नंबर टू के लिए वाई इंटरसेप्ट क्या है जीरो है जब कभी भी वाई इंटरसेप्ट जीरो होता है मतलब लाइन आपकी ओरिजिन से पास कर रही है बशर्ते की y कहानी बोला बिल्कुल सही है अच्छा लाइन नंबर वन का स्लोप क्या है, है।, देखो, है मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको देखो ये वाला लाइन देखो लाइन नंबर वन के लिए देखो ये एंगल देखो थीटा से बड़ा अपने आप हो रहा है क्या यदि मैं नाइनटी की थीटा से बड़ा नहीं सॉरी नाइनटी से बड़ा अपने आप हो रहा है क्या देखो यदि बनता इस लाइन पर तो क्या ये ऐसे तो बनता और नाइनटी से थोड़ा सा अंदर जा रहे हो अच्छा लाइन नंबर टू के लिए देखिए बराबर ओरिजिन पे मैं बनाता हूं देखो ये देखो एंगल क्या ये एंगल 90 से बड़ा है बिल्कुल बड़ा है क्योंकि देखो वाई एक्सो 90 पे है उससे थोड़ा इधर ही निकल रहा है यस और नो लाइन नंबर थ्री के लिए यदि मैं बात करूं तो यहां पर मैं देखता हूं तो देखो ये 90 से फिर से बड़ा आएगा अब देखो आप जरूरी नहीं कि यहीं पे चेक करो कहीं पर भी चेक करना हो तो आपको क्या करना है जैसे मैं यहां पर चेक कर रहा हूं देखो इस जगह पर मैंने क्या किया एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ में जानी चाहिए उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए टुवर्ड्स तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस किधर होनी चाहिए डायरेक्शन डायरेक्शन शुड बी टुवर्ड्स तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस अब यहां से आप एंगल मेजर करेंगे तो सब जगह ये एंगल सेम आएगा सब जगह ये एंगल क्या आएगा सेम आएगा यदि इसी लाइन के लिए मैं यहां पर कर लू तो भी कोई दिक्कत नहीं है एंगल 90 से बड़ा ही मिलेगा चलो लाइन नंबर टू पे मैं यहां पे कहीं बात करता हूं तो देखो फिर से देखो मैं क्या कर रहा हूं हमेशा एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो उस लाइन से जिसका ग्राफ है उससे किधर जा रही है टुअर्ड्स राइट टुअर्ड्स राइट दाई और दाया हाथ वो जिससे हम खाना खाते हैं राइट हैंड यही पहचान है अब कोई लेफ्टी होगा स्पेशल वो एक अलग बात है लेकिन बता रहा हूं मेरी स्क्रीन पे इधर की डायरेक्शन मतलब मेरे लिए राइट है इधर की डायरेक्शन मतलब मेरे लिए राइट है अब यदि मैंने ये राइट राइट देखो मैं राइट हैंड से ही लिख रहा हूं हो सकता है आपको वो चीजें लेफ्ट में दिखाई दे दिखाई दे रही हूं ऐसा हो सकता है मैं बोल बोल रहा रहा हूं हूं ये नहीं कि जरूरी होगा ही क्योंकि देखो मैंने ये राइट हैंड बताया है, इधर है जबकि आप स्क्रीन पे सिंबॉल शायद उल्टा देख रहे होंगे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना स्क्रीन जब आपको ऐसे कंसिडर करनी है कि आपके सामने की नोटबुक तो आपकी नोटबुक पे देखने पर आपको क्या दिख रहा है राइट वही राइट है मेरे हाथों पे मत जाइए क्योंकि मेरी मिरर इमेज बनती है मेरी इमेज मिरर इमेज होती है लेकिन जो आपको स्क्रीन पे दिखता है जो स्क्रीन पे जो कुछ छप रहा है वो प्रॉपर छपता है बात समझ में आ रही है क्या श्योर है क्लियर है चलो हम लोग यहां तक समझ चुके हैं अब आगे बढ़ते हैं तो देखो अब मैं क्या करता हूं यहां पर है ना थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूं वाई इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स प्लस का थ्री वाई इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस का थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री एक्स प्लस का थ्री और वाई इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री एक्स माइनस का थ्री ये चार हैं ये कितनी इक्वेशन है वन टू थ्री फोर ये चार इक्वेशन इन चारों इक्वेशन को आपको बताना है ये कैसी इक्वेशन है फोर ऑल ऑफ फोर इक्वेशन आर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसी इक्वेशन है ये है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है क्या ये बात समझ में आ रही है देखो अब यहां पर आपको पहचानना है अब मैं आपसे सब सब में एक ही काम है आपको क्या कि आपको लिखना है सबके लिए स्लोप और वाई इंटरसेप्ट इसको ड्रॉ तो मैं फटाफट करवा दूंगा उसका कोई दिक्कत नहीं है चलो फटाफट से काम करो स्क्रीन को पॉज करके फटाफट से काम करो और फिर मैच करेंगे हम लोग ठीक है चलो भैया पहले के लिए स्लोप बोलो रूट थ्री और वाई इंटरसेप्ट थ्री दूसरे के लिए स्लोप रूट थ्री वाई इंटरसेप्ट माइनस थ्री तीसरे के लिए स्लोप माइनस रूट थ्री वाई इंटरसेप्ट प्लस का थ्री चौथे के लिए स्लोप माइनस रूट थ्री और वाई इंटरसेप्ट माइनस थ्री ठीक है ये समझ में आया अब देखो हम लोगों को क्या होता है लाइन को अंदाजे से ड्रॉ कैसे करते हैं ठीक है लाइन को अंदाजे से ड्रॉ करना अप्रोक्सीमेट तो कैसे करते हैं मैं वो भी समझा देता हूं आपको अब आप क्या करेंगे कि देखो सबसे पहले तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करिए और मैं आपको बता दूं आपको एक ही ग्राफ में चारों लाइन ड्रॉ करनी है और आपको बताना है कैसा बन रहा है डायग्राम क्लियर हो गई ये वाली बात आर यू श्योर यहां तक समझ में आया अब मैंने यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है ठीक है अभी के लिए यदि आप चाहते हैं तो मैं लिख देता हूं थोड़ा थोड़ा सा वन टू थ्री और फोर वन टू थ्री फोर कई लोग बोले होंगे सर हमने तो नहीं बोला था लिखने के लिए फिर भी आपने लिख दिया मैं बोलूंगा कुछ तो रहे होंगे ना जिन्होंने बोला होगा लिख दो तो मैं उनकी बात मान लिया इस बार चलो ठीक है इतने पॉइंट सफिशियंट हैं अब देखो लाइन नंबर वन पे आ जाओ पहले अपनी साइड में लाइन नंबर वन रूट थ्री एक्स प्लस क्या करो मालूम है एक बार रखो एक्स को जीरो देखो इस लाइन नंबर वन के अंदर में एक्स को जीरो रखो वाई कितना मिल रहा है थ्री तो एक्स को जीरो रख के वाई जीरो थ्री आ रहा है मतलब एक्स जीरो वाई थ्री मतलब यहां पर आपका एक पॉइंट बन गया क्या देखिए ऐसा बना सबका एक्स जीरो रखने पर वाई थ्री तो कहां पर आएगा कोऑर्डिनेट जीरो थ्री, वाई पर रहेगा क्योंकि वाई की वैल्यू थ्री है एक्स की वैल्यू जीरो है। देखो, एक्स की कुछ वैल्यू होगी तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर सरकेगा थोड़ा लेफ्ट या राइट लेकिन एक्स जीरो है मतलब वो पॉइंट कहां पर होता, है, वाई पर होता है ये बेसिक बात जानते हो आप लोग सब लोग मैंने क्या बोला यदि एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो आपका जो पॉइंट है वो कहां पर होता है वाई एक्सिस पर होता है क्या मैंने बिल्कुल सही बनाया बिल्कुल वैसे ही वैसे ही तो आपने बोला बिल्कुल सही है ओके अब दूसरी बार क्या कर दीजिए वाई को जीरो कर दीजिए वाई को जब आप जीरो करोगे तो देखो एक्स कितना आएगा कैलकुलेशन खुद से करेंगे कि मैं करके दिखाऊं मुझे लगता है मुझे करके दिखानी पड़ेगी तो पहला है पहला ग्राफ मैंने बोला एक्स इज इक्वल टू जीरो रख दिया तो वाई इज इक्वल्स टू रूट थ्री इंटू जीरो प्लस का थ्री इट एम्प्लाइज वाई जीवल टू आ गया थ्री मतलब आपका पहला पॉइंट मिल गया जीरो दूसरी बार क्या कीजिए वाई जीवल टू जीरो रूट थ्री एक्स प्लस इट एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री डिवाइडेड बाई रूट थ्री मतलब एक्स की वैल्यू आएगी माइनस रूट थ्री डिवाइड करना मैंने सिखाया है ऐसा डिवीजन मैंने सिखाया है थ्री को मैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिखूंगा एक रूट थ्री से एक रूट थ्री कैंसल तो क्या बच गया माइनस रूट थ्री तो इसका मतलब ये है इसका जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा माइनस रूट थ्री कॉमा जीरो तो y कोऑर्डिनेट क्या है जीरो है और x कितना है रूट थ्री मतलब 1.7 समथिंग तो मान के चलिए लगभग लगभग ये पॉइंट कहीं यहां से गुजर रहा होगा यस और नो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है यस और नो सही है श्योर है ओके तो अब इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए तो ये लाइन जो है वो कुछ ऐसी जाती हुई नजर आ रही होगी दिस इज योर लाइन नंबर वन सबकी बन गई क्या ऐसे पहचान पा रहे हैं देखो सीधा अब देखो इस लाइन को देखते ही देखो क्या दिख गया एक यहां पर पॉइंट है थ्री वाला और यहां पर रूट थ्री वाला है ये वैल्यू कितनी है रूट थ्री यहां पर भी यदि रूट थ्री लिखना होगा तो कहीं यहां पर आएगा ठीक है छोटा सा लिख दिया मैंने क्लियर हुआ यहां तक बोलो सही बात है चलो अब दूसरे ग्राफ पे चलते हैं दूसरा रूट थ्री एक्स माइनस का थ्री तो मैं ग्राफ नंबर टू के लिए मैंने यूज कर रहा हूं ऐसा वाला पेन ठीक है ग्राफ की इक्वेशन थी रूट थ्री एक्स माइनस का थ्री फटाफट से पहला काम क्या करना है आपको पहला है आप लिखिए एक्स बराबर जीरो तो एक्स बराबर जीरो रखोगे तो वाई कितना आएगा माइनस का थ्री मतलब आपके कॉर्डिनेट बन गए जीरो कॉमा माइनस थ्री फटाफट बताइए जीरो कॉमा माइनस थ्री कहां आ रहा है तो जीरो कॉमा माइनस थ्री क्या यहां पर आपको मिल रहा है देख लीजिए ब्लू में पॉइंट बना दिया है मैंने यस ओके अगला स्टेप क्या करना है वाई इज इक्वल टू जीरो रखिए तो क्या मिलेगा वा... जीरो बराबर रूट थ्री एक्स माइनस का थ्री इट एटेम्प्लाइज रूट थ्री एक्स बराबर का थ्री इट प्लाइज एक्स बराबर आएगा रूट थ्री इसका मतलब ये है कॉर्डिनेट आएंगे रूट थ्री कॉमा जीरो एक्स की वैल्यू है रूट थ्री और वाई की वैल्यू है जीरो तो बोलिए कहां पर है ये पॉइंट क्या ये पॉइंट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है रूट थ्री कॉमा जीरो अब इन दोनों लाइन को मिला दीजिए देखो ये लाइन ऐसे हो गई क्या लाइन नंबर टू का काम तमाम बिल्कुल सिंपल है एक ही ग्राफ में इसलिए बनवा रहा हूं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सको चार लाइन कैसी बन रही है क्योंकि आपको जब ऑप्शन होंगे ग्राफ से रिलेटेड तो उसमें ऐसे ही ऑप्शन होंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं ठीक है यदि हुए सवालों में बहुत दिक्कत आने वाली है और ये बात लिख के रखिए बहुत दिक्कत आत। आने वाली है नहीं सॉरी गलत बोल दिया यार आती है बहुत सारे बच्चों को आती है जिनका ग्राफ का बेसिक कच्चा होता है लेकिन एक बार आपने ग्राफ का बेसिक सीख लिया ना तो आपको ग्राफ के सवालों में कोई परेशानी नहीं होगी ठीक है ये मेरा यहां पर पहुंच गया चलो आगे आ जाओ अगला ग्राफ कौन सा है ग्राफ नंबर है थ्री थ्री को हम लोग लेते हैं हरा रंग डाला और क्या हुआ कंप्लीट द स्टेटमेंट कई लोगों ने कर भी लिया होगा वाई जिगल्स टू मैं तो स्टेमेंट कंप्लीट करने के चक्कर में मैं भूल गया क्या थी अच्छा माइनस पहले प्लस बाद में तो मेरे पास में है माइनस रूट थ्री एक्स प्लस का थ्री फटाफट पहला स्टेटमेंट पहला काम क्या करना है ग्राफ को जल्दी से जल्दी बनाने के लिए आपको क्या करना है पहला काम एक बार एक्स की जगह जीरो रखिए तो रख देंगे तो क्या आएगा वाई बराबर थ्री आएगा मतलब आपका पहला कोऑर्डिनेट आएगा जीरो कॉमा थ्री तो अब जीरो कॉमा थ्री की खोज में निकल जाइए हरा पेन लेके निकला हूं मैं जीरो कॉमा थ्री तो आप देखिए इसी जगह पर आया है जहां पर पहले से ये था ठीक है मैं यहां पे लाइन नंबर टू नहीं लिखना है लिखा बुल, लिखना भूल गया इसको लिख देता हूं ठीक है तो देखो हरा रंग कहां पे आ गया इस जगह पे आ गया जीरो थ्री मैंने बोला बिल्कुल सही है अब दूसरा काम क्या करना है दूसरा काम आपको करना है वाई की जगह जीरो रखिए तो वाई बराबर जीरो रखोगे तो क्या आएगा जीरो बराबर माइनस का रूट थ्री प्लस का थ्री सही है बिल्कुल सही है और एक्स तो लिखना ही भूल गया ओके अब बोलो अगला स्टेप क्या आएगा माइनस का रूट थ्री एक्स या फिर लिख दीजिए रूट थ्री एक्स बराबर का थ्री इट एम्प्लाइज एक्स बराबर रूट थ्री ये स्टेप समझ में आ रहा है ना भैया कैसे आ रहा है लेफ्ट से राइट right जाता है तो माइनस का प्लस हो जाता है तो रूट थ्री एक्स बराबर थ्री रूट थ्री से ये अगला स्टेप में आएगा x टू थ्री बाई रूट थ्री रूट थ्री से रूट थ्री कैंसल रूट थ्री से रूट थ्री कैंसल तो आपको बचेगा रूट थ्री तो इसका कोऑर्डिनेट बन रहा है रूट थ्री कॉमा जीरो अब देखिए हरा रंग लेके रूट थ्री कॉमा जीरो कहां आएगा तो देखो क्या इस नीले वाले पॉइंट पर रूट थ्री कॉमा जीरो आएगा मैंने इसको हरा कर दिया देख लीजिए हरा दिख गया अब क्या करना इन दोनों को मिला दीजिए तो ये आपकी हरी लाइन हो गई ये है आपका ग्राफ नंबर थ्री देखो कैसे ऑप्शन बनेंगे ये ऐसे कुछ ऑप्शन बनेंगे आपको हमेशा आर यू श्योर इनफ समझ में आ रहा है पक्की बात है चलो अभी हम लोग बात करते हैं चौथे नंबर के ग्राफ पे चौथा कितना है माइनस माइनस है तो माइनस माइनस ले लो और चौथा रंग में ले रहा हूं यहां पर कलर दिख रहा होगा गोल्डन कलर यहां पर लिया है माइनस रूट थ्री एक्स माइनस थ्री पहला स्टेप क्या बोल रहा हूं एक्स बराबर जीरो लिखिए एक्स बराबर जीरो तो क्या आएगा वाई बराबर जीरो माइनस थ्री मतलब माइनस थ्री सो एट एम्प्लाइज आपके पास कोऑर्डिनेट बनेंगे जीरो कॉमा माइनस का थ्री जीरो कॉमा माइनस का थ्री बनाइए गोल्डन कलर से जीरो कॉमा माइनस थ्री जीरो कॉमा माइनस थ्री क्या इस वाले नीले के ऊपर में ये गोल्डन हो जाएगा देखिए नीचे यहां पर गोल्डन होते हुए दिख रहा होगा जीरो कॉमा माइनस थ्री वाई एक्सपे नीचे की साइड में इसलिए मैं बोलता हूं आप लोग भी फोर कलर पेन रखिए अपने साथ में ठीक है ये पहला पॉइंट मिल गया दूसरा पॉइंट क्या कौन सा चाहिए दूसरा पॉइंट चाहिए आप लोगों को y इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा जीरो बराबर माइनस का रूट थ्री एक्स माइनस का थ्री अब क्या करेंगे इसको इधर लेके आ जाइए तो क्या हो जाएगा रूट थ्री एक्स बराबर माइनस का थ्री और आगे लिखूंगा तो क्या x तो आएगा x बराबर माइनस का थ्री अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू आएगा माइनस का रूट थ्री तो यहां से कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे माइनस का रूट थ्री कॉमा जीरो क्या बनेगा माइनस रूट थ्री कॉमा जीरो माइनस रूट थ्री कॉमा जीरो बोलो कहां पर आएगा इस ग्राफ के अंदर में x की वैल्यू माइनस रूट थ्री और y की वैल्यू जीरो क्या इस लाल पॉइंट पर गोल्डन बन जाएगा देखो गोल्डन कौर्डि... क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो रहा है यस yes, अब इन दोनों को मिलाते हुए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी ये है आपका ग्राफ नंबर का फोर यस yes, हुआ अच्छा सा डायग्राम बन गया ये श्योर है श्योर है क्लियर हुआ देखो फटाफट ऑब्जर्व करिए क्या चारों लाइन अब ऐसे मैंने एक ही वैल्यू लेते हुए चार लाइन ड्रॉ करवाई है सिर्फ प्लस और माइनस के खेल से देखिए चार अलग अलग लाइन देखो कहां से जा रही है दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है यही गलती होगी एग्जाम में एग्जाम में मतलब यदि एग्जाम में सवाल पूछा तो नहीं पूछा तो फिर कोई गलती होने की संभावना ही नहीं है लेकिन यदि पूछ लिया तो क्या ये गलतियां आप दोहराओगे ये गलती करोगे क्या नहीं करोगे तो इसका मतलब क्या है आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको है ना अपने मन से नंबर सेलेक्ट करना है जैसे मैं बताता हूं जैसे आपको अच्छा नहीं लग रहा आपने बोला सर जी मैंने लिया ओ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस का टू अब क्या कर रही है इसकी चार इक्वेशन बनाइए चार बनाएंगे तो दूसरी मिलेगी वाईज इक्वल टू माइनस एक्स ओहो एक्स माइनस टू क्वल टू माइनस एक्स प्लस टू और वाइज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू ठीक है अब बिना समय गवाए फटाफट से एक ला, एक ही ग्राफ के अंदर में इनको ड्रॉ करके दिखाइए देखो मैं चाहता तो मैं एक ही एक ही क्वेश्चन लेके काम खत्म कर सकता था क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन का काम पूरा कर लिया है बट यहां पर जो चीजें आइडेंटिफाई करनी है वो आपको करनी है तो इसके लिए जरूरी है कि कम से कम एक सवाल और मेरी झोली से आना चाहिए ये हो गया एक्स ये हो गया वाई ये हो गया माइनस एक्स ये हो गया माइनस वाई अच्छा गलती से कभी ऐसा हो जाए कि देखो ये आपको एक्स और वाई एक जैसे लगते होंगे माइनस साइड में पॉजिटिव साइड में तो सही बनाते हैं बनाता हूं मैं लेकिन नेगेटिव लगाते समय कई बार ऐसा होता है कि एक्स की डंडी छोटी रह जाती तो वो वाई जैसा ही लगने लगता है ऐसा तो नहीं हो रहा है ना हो भी जाए तो इतना समझदारी आप रखेंगे नहीं तो पता लगा सर जी वो आपने ना माइनस वाई की जगह माइनस एक्स रख दिया और माइनस एक्स की जगह माइनस वाई रख दिया ये कैसे आया अरे भैया वो गलती से आया कैसे आया गलती से आया कई लोगों को इसमें हंसी आई होगी है ना बहुत जोर जोर से हंसे होंगे मैं भी हंस लेता हूं पहला ग्राफ कौन सा कलर लिया था हमने रेड रेड मतलब मरून ओके चलो फटाफट से अब देखो मैं मैं बिना समय गवाए फटाफट से देखूंगा एक्स की जगह जीरो रखा तो पहला पॉइंट मिलेगा जीरो रखा तो ये आएगा टू और दूसरा पॉइंट मिलेगा वाई की जगह जीरो रखा तो ये आएगा वाई की जगह जीरो रखा तो माइनस टू कॉमर जीरो मैंने इसमें नंबर डाले किया अरे सॉरी 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 नंबर तो डाले नहीं मैंने वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस वन माइनस टू कितने लोगों को जूनियर केजी की याद आ गई ऐसी पढ़ाते हैं ना जूनियर के जी में जूनियर के जी में क्या दसवीं तक ऐसे ही करते हैं हम लोग जब कुछ ऐसा रिपीटिशन जैसा चल रहा होता है तो वन टू ऐसी कर, करते हैं सुरताल लेके चलो भैया लाइन नंबर वन पे आ जाओ फटाफट से जीरो कॉमा टू माइनस टू कॉमा जीरो जीरो कॉमा टू जीरो कॉमा टू, टू मतलब ये रहा और, और दूसरा पॉइंट है आपके पास में माइनस टू कॉमा जीरो जो कि ये रहा देखो क्या सबकी लाइन नंबर वन ऐसी बनी है सबकी बन रही है श्योर है चलो दूसरा कलर लेता हूं दूसरा पेन लेता हूं दूसरा पॉइंट देखो यहां पर फटाफट से देखो एक्स की जगह जीरो रखा तो वाई माइनस टू मिलेगा और जब वाई की जगह जीरो रखा तो एक्स इज इक्वल टू टू मिलेगा तो जीरो कॉमा माइनस टू तो जीरो कॉमा माइनस टू वाला पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट क्या है टू कॉमा जीरो वाला तो ये वाला ये रहा ये लाइन नंबर टू सबको यही मिल रही है देख लो भैया एक बार अब देखो इसको देखो माइनस टू पे इंटरसेप्ट होना चाहिए मिल रहा है देखो माइनस टू पे इंटरसेप्ट बिल्कुल सही बात है और जहां पर वाई जीरो है वहां पर एक्स की वैल्यू टू है तो ये भी खत्म हो गया चलो फटाफट से करते चलो यार अभी इसमें टाइम नहीं कराना है तीसरा बोलो एक्स की जगह जीरो रखा तो वाई आएगा टू और वाई की जगह जब मैं जीरो रखूंगा तो एक्स आएगा कितना टू तो जीरो कॉमा टू और टू कॉमा जीरो जीरो कॉमा टू और टू कॉमा जीरो तो ये रहा एक पॉइंट और ये रहा दूसरा पॉइंट क्या सबकी लाइन नंबर थ्री बन गई है ऐसे मैच करते चलना है अब क्या घुस चलो ठीक है और लाइन नंबर फोर पे आ जाओ फटाफट से देखो आपने रखा एक्स जीक्वल्स टू जीरो तो y मिलेगा माइनस टू और वाई जिक्वल्स टू जीरो रखोगे तो x मिलेगा माइनस का टू तो जीरो को हमारा माइनस टू और माइनस टू जीरो को जीरो मतलब देखो ये रहे आपके वो दोनों पॉइंट प्यारे से लाइन नंबर सबका बन गया क्या एक ही में चार क्वेश्चन करवाए मैंने और कुछ भी नहीं किया है आइडेंटिफाई कर पा रहे हो अच्छा अब एक मैं सिंपल सी बात पूछता हूं सिंपल सी बात पूछता हूं लाइन नंबर वन और लाइन नंबर टू में किसका स्लोप ज्यादा है लाइन नंबर वन और लाइन नंबर टू में किसका स्लोप ज्यादा है दोनों का स्लोप सेम है कितना है स्लोप फटाफट से स्लोप बताइए तो देखो कुछ नहीं है वन है मतलब स्लोप है वन और वन का मतलब थीटा कितना है फोर्टी फाइव डिग्री मतलब देखो ये लाइन सब है ना फोर्टी फाइव डिग्री पे है ठीक है बात समझ में आ रही है और लाइन नंबर अच्छा कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हो गए होंगे देखो मैं बता रहा हूं ये लाइन नंबर टू के लिए यहां पर फोर्टी फाइव डिग्री और लाइन नंबर वन के लिए यहां पर फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है क्योंकि क्या है ना वहां पर जहां पर मैंने लाइन खींची थी वहां पर लाइन नंबर थ्री और वन दोनों एक साथ थी तो कई लोगों को उसमें भी कंफ्यूजन हुआ होगा अच्छा लाइन नंबर थ्री के लिए देखो तो लाइन नंबर थ्री यहां पर यदि मैं बनाता हूँ तो देखो ये तो नाइन्टी हो गया नाइन्टी से बड़ा है और मैं बता दू ये एंगल आएगा वन डिग्री नाइन्टी प्लस का फोर्टी 90 प्लस का 45 है ये क्लियर है श्योर है सही बात है समझ में आया यहां तक कि नहीं आया बताओ फटाफट से बताओ यार ओके oh, क्लियर है श्योर sure है ओके okay, चलो अब मैं यहां यहां पर यहाँ पे इतना काम आपका स्ट्रेट लाइन का खत्म हो चुका है अब देखो यहां पर इसके बाद में आपके पास में जो तमाम तरह के ग्राफ हैं जैसे एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को समझने में काफी समय लगता है उसको समझाना है ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ हैं जो सीधा सीधा मैं आपको बत, देखो चैप्टर के नाम भी बता देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको करके एक चैप्टर रहेगा वेव्स करके एक चैप्टर रहेगा, उन दोनों चैप्टर में जरूरत पर, कहीं पर भी जरूरत पड़ सकती है उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता स्पेसिफिक चैप्टर लेकिन हाँ ये जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है वो पूरी फिजिक्स में कहीं पर भी काम आ सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक जो ग्राफ है वो मोस्टली ऑसिलेशन और वेव चैप्टर में काम आते हैं तो आ, आज तो बेटा अपना स्ट्रेट लाइन का ग्राफ यहां पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है अब इसमें कुछ बचा नहीं है कि जो मैं एक्स्ट्रा आपको बताऊं बट यही है कि आपको समझ में आना चाहिए कि एंगल कैसे मेजर करना है एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना है ठीक है चलो एक आधा सवाल और हो जाए यहां पर एक आधा सवाल और हो जाए जैसे मैं अभी यहां पर आपको लिखता हूं अच्छा हुआ मेरे दिमाग में बात आई मैंने बोला आपके पास में इक्वेशन है ग्राफ ड्रॉ करना है आप लोगों को टू आई प्लस का x प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो आपके पास में ऐसे इक्वेशन लिख के रखी है और बोला गया है ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन जब कभी इक्वल टू का साइन बीच में आ जाता है तो उसे इक्वेशन बोला जाता है समीकरण बोला जाता है और इक्वल टू जीरो वगैरह ऐसा कुछ नहीं है तो उसे फंक्शन बोलते हैं ठीक है थीके? उसे क्या बोलते हैं फंक्शन तो टू वाई प्लस एक्स प्लस फोर इज अंक्शन एंड टू वाई प्लस एक्स प्लस क्लियर है ये छोटा सा डिफरेंस है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को फिजिक्स में हाँ जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको काम में आएंगी ये चीजें चलो हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं सवाल ये इसको ड्रॉ करो ठीक है जब कभी ऐसा कोई खेल हो जाए आप लोगों के साथ में तो आप लोग तो बोलेंगे सर जी अब क्या किया जाए ये तो आपने धोखा दे दिया हम लोगों को सिखाया कुछ और है और सवाल कुछ और पूछ रहे हो ऐसे नहीं चलेगा मैं बोला ऐसे नहीं है थोड़ा बुद्धि आपको खुद से भी तो लगानी पड़ेगी भैया कैसे लगाओगे बुद्धि तो मैं बोला इसको सरकाओ उधर में में इक्वल टू के साइड तो ये होगा, टू बराबर माँणस एक्स माँणस फोर आएगा यस और नो मैंने बोला बिल्कुल सही है अगला देखिए टू से डिवाइड कर दूंगा तो यह आएगा माइनस का वन बाई टू इन टू एक्स और माइनस का टू क्या ये इक्वेशन अब ऐसी बन चुकी है और क्या यदि ऐसी बनी हुई कोई इक्वेशन आपको दिखती है तो अः इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं फटाफट से बता दीजिए अब सारा काम आपको करना है खुद से इसके लिए मतलब मैं ये ये यदि रह जाता था ना पॉइंट तो बहुत परेशानी हो जाती थी क्यों क्योंकि कुछ बच्चों को ये पॉइंट नहीं समझ में आता था बाद में तो अच्छा हो गया मुझे याद आ गया अचानक से तो मैंने कर दिया ठीक है चलो कर देते हैं फटाफट से ड्रॉ कर दो अब इसमें क्या करना है भैया लो भाई ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस बातें प्यारी प्यारी लग रही हैं टॉपिक भी प्यारा प्यारा सा चल रहा है आसान आसान सा टॉपिक है पहला काम क्या करिए देखो एक्स एक्स की जगह जीरो रखिए एक्स की जगह जीरो रखोगे तो वाई मिलेगा माइनस टू तो पहले पॉइंट ड्रॉ करिए जीरो कॉमा माइनस टू किधर होना चाहिए वाई की वैल्यू माइनस टू मतलब इधर में होनी चाहिए देखो बिना अब अब ये बार बार नंबर नहीं लिखने क्योंकि आपको एग्जाम में नंबर मेंबर वाले ग्राफ नहीं होते सीधा सिर्फ इतना सिंपल सा ग्राफ होता है थीके? तो जीरो माइनस टू कुछ ऐसा होना चाहिए मैंने बोला यस दूसरा क्या करेंगे y की जगह जीरो रखेंगे तो जब आपने y की जगह जीरो रख दिया तो इसको इधर लेके आओ तो जीरो बराबर माइनस वन बाई टू एक्स माइनस का टू तो ये आएगा माइनस का x बाई टू बराबर का टू टू से टू इधर चला जाएगा तो x बराबर माइनस का फोर आएगा तो ये माइनस फोर कॉमा जीरो तो माइनस फोर कॉमा जीरो सोचिए कहां होगा तो ये कहीं यहां पर होगा मतलब ये लाइन जो है ये लाइन जो है वो कुछ इस प्रकार से जाएगी अब सवाल ये है फाइंड द एंगल ऑफ दिस लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसका लाइन बत, एंगल बताइए बटावट वत एंगल बताइए तो कैसे करोगे फटाफट एंगल बताना है तो आपको लिखना है एम अच्छा मैंने यार डेटा कुछ ऐसा ले लिया चलो ठीक है कर दो कोई दिक्कत नहीं है तो एम बराबर टेन थीटा बराबर है माइनस का वन बाई टू मेरे दिमाग में वो थीटा आ गया तो मैं थर्टी के हिसाब से सोच रहा था कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कोई बात नहीं मैं मैंने कंफ्यूजन में गलती लिख दी तो टेन थीटा बराबर है माइनस का वन बाई कई लोग सोच रहे होंगे दो बार लिख दिया सर ने यार कोई बात नहीं यार टेन इनवर्स ऑफ माइनस का वन बाई विल बी द आंसर अच्छा क्या ये एंगल 90 से बड़ा होगा डेफिनेट सी बात है ये एंगल 90 से बड़ा ही होगा श्योर है यस अच्छा तो इस तरह से हमारा स्ट्रेट लाइन का जो पूरा ग्राफ का सेक्शन है वो यहां पर फिनिश होता है मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ग्राफ जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे यहां तक के स्ट्रेट लाइन के अभी बाकी क्या है एक तो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ बाकी ट्रिग्नोम साइन है उसमें हमारे काम के कौन से सिर्फ सिर्फ और और के वही काम का है टेन का और का रेयरली पूछ सकते हैं तो मैं टेन का तो बता ही दूंगा कम से कम लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती है उसके बाद में लॉग रिदमिक ग्राफ एक्सपोनशियल टाइप के ग्राफ कई बार आ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो वैल्यूज आपको नहीं समझ में आती है तो इसके लिए वो एक ग्राफ और क्वाड्रेटिक फंक्शन का एक ग्राफ ग्राफ तो तो ये तीन बचे हुए हैं तो पहले देखेंगे आज तो यहां पर समय सीमा ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है फोर्टी टू मिनट से ऊपर हम लोग निकल चुके हैं तो आज मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा आज मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा सो आज के लिए बेटा बस इतना ही मुलाकात होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान सो तब तक के लिए धन्यवाद